हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास और आज मैं आपको एक करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ाता हूं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो है आपको चार कंट्रीज ने कश्मीर का इशू उठाया है, बाकी किसी ने नहीं उठाया। तो इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। तो जिन चार कंट्री ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली उसके अंदर कश्मीर का इशू उठाया है, पहली कंट्री है चाइना, दूसरी पाकिस्तान, तीसरी मलेशिया, चौथी जो है तुर्की। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच से। जो इनकी स्पीच थी वो 15 से 17 मिनट की स्पीच थी, जिसके अंदर इन्होंने हेल्थ इशू, टेररिज्म, इंडिया और एनवायरनमेंट, मतलब सब कुछ कवर करा था इन्होंने 15 मिनट के अंदर। और जो उसमें आपका टाइम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, 15 से 20 मिनट का टाइम होता है, इसके अंदर आपको अपनी स्पीच खत्म करनी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो टाइम था 15 से 17 मिनट का था। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान, इनकी जो स्पीच थी वो 50 मिनट की थी, और उसी स्पीच के अंदर इन्होंने कश्मीर और न्यूक्लियर वॉर मॉन्गरिंग करी थी पूरी की पूरी स्पीच में इन्होंने। और इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने जो है काफ़ी यंग जो है डिप्लोमेट विदिशा मित्रा, इनको इनके रिप्लाई के लिए भेजा था। जैसे आप जानते हैं कि जो आपका किसी स्टेट का, स्टेट यानी कि पॉलिटी में कंट्री को स्टेट बोला, उसका जो है आपका इमरान खान ने जो है आपका हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने उनको काउंटर करने के लिए दूसरे जो कंट्री है इंडिया, उसका जो हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए था, वो नहीं गए। फॉरेन मिनिस्टर वो भी नहीं गए, फॉरेन सेक्रेटरी वो भी नहीं गए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो अकबरुद्दीन है वहाँ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, वो भी नहीं गए। काफ़ी यंग डिप्लोमेट 2009 की विदिशा मित्रा, इनको जो है भेजा गया उनको काउंटर करने के लिए। तो ये काफ़ी शेम की बात है अपने आप में पाकिस्तान के लिए। उसके बाद जो है आपका तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, ये तीनों मिलके एक इस्लामिक टीवी न्यूज़ चैनल जो है आपका फ्यूचर में लाने की इन्होंने अपने आप में जो है एग्रीमेंट किया है। उसके बाद जो आते हैं सेकंड कंट्री जो है आपका मलेशिया, थर्ड कंट्री मलेशिया, जिसने जो है कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाया है। तो ये बेसिकली इसने क्यों उठाया है, इसमें जो है इसकी कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं, इसकी अपनी पर्सनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। आप जैसे मैंने आपको जो है कंट्री का पॉपुलेशन का जो है आपका पाई चार्ट बनाया, इसमें इस्लामिक पॉपुलेशन जो है उसकी कंट्री की 61.3% है मलेशिया की, बुद्धिज्म 19.8 है, क्रिश्चियन 9.2 है, हिंदू 6.3, अदर 3.4 है। तो बेसिकली जो है मोहम्मद मातिर जो आपके पीएम है मलेशिया के, उनकी पार्टी जो है उसका जो नाम है मलेशियन यूनाइटेड इंडिजिनियस पार्टी, ये जो है अपने आप को फ्यूचर में एक इस्लामिक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर अपने देश में प्रोजेक्ट करना चाहती है। तो इस प्रोजेक्शन के चक्कर में उसने जो है कश्मीर, जो कि मुस्लिम डोमिनेट कंट्री स्टेट है, उसको जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर उसने वो मुद्दा उठाया है। बेसिकली वो मुद्दा उसने अपने आप को कंट्री में इस्लामिक पार्टी के तौर पे एस्टेब्लिश करने के लिए उठाया है। तो बेसिकली जो है आप इस चीज़ को काउंटर कैसे करेंगे, अगर आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कोई कंट्री आपके ऊपर बात उठाती है तो उसको काउंटर कैसे करेंगे। तो इसको काउंटर करने की कोई बहुत बड़ी उसकी दिक्कत नहीं है इंडिया की। जो पाम ऑयल जो आपका मलेशिया का है, इंडिया उसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, तो 5 सितंबर को इंडिया ने उससे पहले ही जो है आपका इम्पोर्ट ड्यूटी पाम ऑयल के ऊपर 5% बढ़ा दिए, जो कि अब 50% हो चुकी है। दूसरा, 2019 में जो है आपका मलेशिया और इंडिया का ट्रेड $16 बिलियन है, और जो 2020 में है ये बढ़ के 20 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। और इसमें आप देखिए आपका जो मलेशिया है वो सरप्लस इंजॉय करता है, मलेशिया जो है इंडिया को सप्लाई करता है 10.8 बिलियन डॉलर, और इंडिया जो है वो मलेशिया को सप्लाई करता है 6.4 बिलियन डॉलर। तो ये मलेशिया जो है ट्रेड सरप्लस में है, तो इसमें हम इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के और इस चीज़ को काउंटर हम कर सकते हैं लॉन्ग रन में। तो दोस्तों अगला कंट्री जो है वो तुर्की है, जिसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर का इशू उठाया है। तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और तुर्की जो है 2016 से कश्मीर इशू को काफ़ी एग्रेसिवली उठा रहा है, और पिछले 10 साल से तुर्की और पाकिस्तान के जो मिलिट्री टाइज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो तुर्की को काउंटर करने के लिए इंडिया ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में ही साइप्रस और आर्मेनिया के हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात की है पीएम मोदी ने। तो साइप्रस और आर्मेनिया से क्यों मुलाकात करी है, सबसे पहले हम जो है साइप्रस की हिस्ट्री जान लेते हैं। साइप्रस जो है आपका 380 BC में पर्शियन का वहाँ पर राज था, 45 AD में जो है साइप्रस में आपका क्रिश्चियनिटी जो है इंट्रोड्यूस हो गई थी। उसके बाद 1517 में जो है ऑटोमन एम्पायर आ गया था। ऑटोमन एम्पायर आने के बाद क्या हुआ था, तुर्की के लोगों को तुर्क्स कहते हैं, वो काफ़ी मात्रा में जो साइप्रस में जो है आपका माइग्रेट हो गए थे। और उसके बाद जो है
काफ़ी उनकी भी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी खासी हो गई थी क्रिश्चियन और तुर्की। उसके बाद 1878 में जो है आपका ओटोमन एम्पायर जो है काफ़ी डेप्थ में आ गया था, और उसके डेप्थ में आने के बाद क्या हुआ था, जो आपका ब्रिटिशर थे उनके साथ ओटोमन एम्पायर ने जो है अपनी एक डील कर ली कि आप जो है हमारे यहाँ पे जो है आर्मी रखिए लेकिन रूल हमारा रहेगा। वो ये चीज़ चलती रही और आगे चल के 1914 और 1919 इस बीच में आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटिशर्स ने साइप्रस को एनेक्स कर लिया था पूरी तरह से, और उसके बाद उनका वहाँ पे राज हो गया था। उसका राज होने के बाद आपका क्या हुआ था, जो साइप्रस के नेटिव्स थे उन्होंने एक गोरिल्ला वार चालू कर दी थी, और गोरिल्ला वार चालू करने के बाद 1960 में साइप्रस को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, और इंडिपेंडेंस इस शर्त पे मिली थी कि ब्रिटिशर्स की जो है कुछ वहाँ पे आपके बेसेस होंगे मिलिट्री बेसेस ने। उसके बाद जो है इस चीज़ से जो साइप्रस में जो क्रिश्चियनिटी थी वो तो काफ़ी खुश थे कि हमें आज़ादी मिल गई और वहाँ की गवर्नमेंट उनके लिए काम कर रही थी। जो तुर्की से माइग्रेट हुए थे साइप्रस में जो तुर्क थे बेसिकली मुस्लिम थे, वो लोग इस चीज़ से काफ़ी खुश नहीं थे, काफ़ी दुखी थे कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। 1963 में सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई थी वहाँ की गवर्नमेंट और तुर्क्स के बीच में, और उसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस के ऊपर इन्वेड कर दिया था, और जब उसने इन्वेड करा तो साइप्रस के सपोर्ट में ग्रीस आया था। ग्रीस क्यों सपोर्ट में आया था साइप्रस के, क्योंकि साइप्रस ये मानते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो ग्रीस के हैं, तो इसलिए ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे साइप्रस में, और उनके बीच में काफ़ी वार हो गई थी। और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स होती है, वो वहाँ पे भेजी थी, लेकिन इस समय इतना लेट हो चुका था कि तुर्की जो चाहता था वो हो चुका था, ऊपर का एरिया जो है साइप्रस का वो तुर्की ने जो है इन्वेड कर लिया था। तो ये पूरी आप सिचुएशन देख के समझ गए होंगे कि ये कश्मीर, इंडिया में जो कश्मीर है पीओके पाकिस्तान के पास है, सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है। तो इसीलिए इंडिया ने जो है आपका साइप्रस को सपोर्ट किया है, पहले से ही करते आ रहा है। इंडिया और साइप्रस के जो डिप्लोमेटिक टाइज थे 14 फरवरी 1962 से हैं, और हमेशा इस चीज़ को इंडिया सपोर्ट करता है। अब अगला जो टॉपिक है वो है आर्मेनिया। इंडियन पीएम जो है आर्मेनिया से क्यों मिले हैं, आर्मेनिया का भी एक काफ़ी जो है ब्लैक हिस्ट्री है। इसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आर्मेनिया की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी अभी भी जो है वो क्रिश्चियन है, तो ऑटोमन एम्पायर को लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी क्रिश्चियन है, तो आर्मेनिया जो है ब्रिटिशर्स का साथ दे देंगे क्योंकि दोनों की क्रिश्चियन मेजोरिटी है। तो इस चक्कर में ऑटोमन एम्पायर ने क्या करा, आर्मेनिया को इन्वेड कर दिया, और काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे प्रॉपरली कहते हैं प्रॉपर वर्ड जेनोसाइड किया। तो ये भी एक ब्लैक हिस्ट्री है आर्मेनिया की। तो आर्मेनिया और साइप्रस को इंडिया ने क्यों सपोर्ट दिया है और पहले से देता आ रहा है, ये आप समझ गए होंगे। और तुर्की जो है बेसिकली कश्मीर इशू को इतना एग्रेसिवली क्यों उठा रहा है, तुर्की चाहता है कि जो ऑटोमन एम्पायर था वो दोबारा से रिवाइव हो, और तुर्की जो है अपने आप को एक खलीफा की तरह प्रोजेक्ट करने चाहता है पूरा अरब कंट्रीज़ में। तो बेसिकली तुर्की के जो एडगोंग हैं वहाँ के जो आपके प्रेसिडेंट, ये बेसिकली उनका जो है एक लॉन्ग टर्म विज़न है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि इंडिया ने जो है तुर्की को काउंटर करने के लिए साइप्रस और आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट करा। थैंक यू।